स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खबर की, भोपाल की खबर की। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कल की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 13 साल पहले इस कॉरिडोर का निर्माण 360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। 24 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाते समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि भोपाल को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, लेकिन अब यह यातायात प्रबंधन में बाधा बन रहा था और इसके मेंटेनेंस पर भी हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। कॉरिडोर पर केवल निगम की यात्री बस, सरकारी वाहन और वीआईपी वाहन ही गुजरते थे। अब मोहन यादव सरकार का कहना है कि बीआरटीएस की वजह से ही भोपाल के लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कत उठानी पड़ रही है, लिहाजा इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। अब इसकी जगह पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि बीआरटीएस को हटाकर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनने के बाद ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। भोपाल की सड़कों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दे दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में लगभग 24 किलोमीटर का लंबा बीआरटीएस का कॉरिडोर है। इस बीआरटीएस कॉरिडोर से रेड जो बसें हैं वो निकलती हैं। इसके अलावा वीआईपी वाहन के निकलते हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं। इनकी संख्या लगभग 500 से 600 है, जबकि अगर दूसरे साइड जो रोड बने हुए बीआरटीएस के कॉरिडोर के आसपास जो रोड बने उस पर लगभग 18.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी बदहाल हो रही थी और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अब ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा। भोपाल कमिश्नर से 3 दिन में जवाब मांगा है, कहा है साफ तौर पर कि आप बताइए कि 3 दिन में किस तरीके से इसको हटाने का प्लान तैयार किया जाए। और देखिए, जब बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की बात सामने आई उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साफ तौर पर ये ट्वीट करके लिखा है कि आखिर ये अच्छी बात है कि आप बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर किन भ्रष्ट अधिकारियों ने इसको बनाया था। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से बीआरटीएस हटाए जाने पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने ट्वीट करा है और जांच की मांग उठाई है। उन्होंने लिखा है कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। बीआरटीएस हटाने का फैसला ले लिया गया है। कल बड़ा फैसला ये बैठक में लिया गया, सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस पर मुहर लगी। डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा फैसला लिया और उसके बाद अब सियासत इस पर हो रही है। विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है, जांच की मांग इस पर की है कि आखिर बनवाया ही क्यों था जब इसे हटाना था, इतना पैसा लगाया, अब इसे हटाया जा रहा है। यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से ले तो लिया गया है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, हालांकि कितना कारगर साबित होगा ये वक्त बताएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे। शैलेंद्र, बड़ा फैसला लिया गया है सरकार द्वारा और अब राजधानी की सड़कों से जो बीआरटीएस है वो हटाया जाएगा पूरी तरह से। कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है, पर सियासत भी इस पर हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये फैसला जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर यातायात सुगम बनाने के लिए लिया गया है। हालांकि ये जो कॉरिडोर है वो बनाया इसीलिए गया था कि जो इमरजेंसी वाहन है या जो वीआईपी मूवमेंट है या फिर जो यात्री बसें हैं, जो रेड बसें, वो इसके माध्यम से गुजरे, क्योंकि बसें अगर मुख्य सड़कों पर चलेंगी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि लगभग 13 साल पहले इस बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया गया था, उस पर लगभग 360 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन इस पर महज अभी 500 से 600 वाहन ही गुजरते हैं, जबकि इसके मेंटेनेंस पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं। जिस तरह की आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बीच में जो रास्ता है वो बीआरटीएस कॉरिडोर का रास्ता है और उसके दाएं और बाएं आने जाने के लिए सामान्य जो वाहन है उनके लिए
रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे में सामान्य जो लाइनें हैं उनमें जो है बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। लेकिन BRTS कॉरिडोर जो है वो अधिकांश समय खाली रहता है, क्योंकि जो बसें हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत चलाई जाने वाली यात्री बसें वो इसमें चलती हैं, VIP वाहन इसमें से गुजरते हैं, इमरजेंसी वाहन इसमें से गुजरते हैं, तो बाकी समय ये खाली पड़ा रहता है। और यही कारण है कि कल जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि इस BRTS कॉरिडोर को अगर हटा दिया जाएगा और बीच में एक सेंट्रल डिवाइडर तैयार किया जाएगा तो यहाँ पर काफी चौड़ा किया सकता है, अगर रोड दोनों साइड की चौड़ी हो जाएगी। शैलेंद्र, सवाल यहाँ पर ये भी उठेगा कि BRTS को तो हटा दिया जाएगा दुरुस्त करने के लिए, कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी इससे अच्छी होगी, पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि आगे का जो प्लान तैयार किया जा रहा है आखिर किस तरह का प्लान वो तैयार किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा फिर से बदलाव ना करना पड़े या इतनी बड़ी राशि जो लगाई गई वो बर्बाद ना हो, तो ऐसा प्लान ऐसी रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा। चूंकि BRTS बना हुआ था, कहीं ना कहीं हादसों से बचा जा सकता था कि बसें अपने रास्ते जा रही है, VIP मूवमेंट से तो वो अलग हो रहे हैं, आखिर आगे का प्लान होगा तो उस पर कितना फोकस रहेगा? देखिए, अभी जो कल की बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि BRTS कॉरिडोर को हटाने के बाद एक बीच में एक सेंट्रल डिवाइडर बना दिया जाएगा और सेंट्रल डिवाइडर के दाएं और बाएं तरफ से वाहन गुजरेंगे। उनका साफ तौर पर ऐसा मानना है कि जो BRTS का जो जगह है वो उसको यदि मुख्य मार्गों में मिला दिया जाएगा तो मुख्य मार्ग ही बहुत चौड़े हो जाएंगे और ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनती है राजधानी भोपाल की सड़कों पर उससे निजात मिल पाएगी। देखिए, जिस बात का आपने जिक्र किया कि क्या प्लानिंग सही तरीके से होगी, इसी को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सवाल खड़ा किया, कहा कि 13 साल पहले आखिर किन अधिकारियों ने किन लोगों को लाभ देने के लिए इसको रचा था। ये साफ उन्होंने पूछा और कहा था कि इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो शॉर्ट टाइम की इंक्वायरी हो उसमें पता चल सके कि किन अधिकारियों ने किस प्लानिंग के तहत इसको बनाया था और आगामी समय में इस तरह की जो रणनीति जो तैयार हो वो बेहतर तरीके से तैयार हो, राजधानी भोपाल की सड़कों पर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। देखिए, 24 किलोमीटर का लंबा ये पूरा कॉरिडोर है, चाहे वह मध्य प्रदेश अगर मैं बैरागढ़ की तरफ से बात करता हूँ या फिर लाल घाटी से लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ ये पूरा BRTS कॉरिडोर है, इसके अलावा होशंगाबाद रोड पर ये जो प्रमुख मार्ग है जो बाहर के एग्जिट रोड है और शहर के जो प्रमुख मार्ग है उन पर इसको तैयार किया गया था। देखिए, जो प्रमुख व्यस्तम बाजार है उनमें किसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो इसको से निपटने के लिए 13 साल पहले निर्णय लिया गया था। लेकिन अब नई सरकार है, नए मुखिया है, उन्होंने जो समीक्षा की उसके तहत ये माना गया है कि ये कहीं ना कहीं यातायात को सुगम बनाने में बाधा बन रहा है और इसका जितना उपयोग होना चाहिए था उतना उपयोग हो नहीं रहा है। देखिए, अगर आप BRTS के माध्यम से गुजरते हैं और यदि आप उसके पात्र नहीं है तो आप पर पेनल्टी की जाती है, यही कारण है कि आम वाहन उससे नहीं गुजरते हैं, केवल सरकारी वाहन, रेड बसेज, जो यात्री वाहन है केवल वही इससे गुजरते हैं और बाकी जो है वो जो अन्य लाइन है उनसे गुजरना पड़ता है। जी वाकई, जी जी शैलेंद्र, संपूर्ण यातायात को सुगम बनाने की यह पहल है, कितनी कारगर साबित होगी, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना की हम बात करते हैं जहां पर फायरिंग हुई है, दो पक्षों के विवाद में फायरिंग की तस्वीरें देखने को मिली, तीसरे आदमी को गोली लग गई, पुरानी रंजिश में यह फायरिंग हुई, अपने घर बैठे व्यक्ति को पैर में गोली लगी। अंबा के लुखरियाई गांव की घटना है, घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो फायरिंग हुई है ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हुई और तीसरे पक्ष को जाकर के ये गोली लगी। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फायरिंग की तस्वीरें, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? के दो पक्ष थे, रविंद्र परमार और गजेंद्र तोमर में विवाद हो रहा था, इसी दौरान जो रविंद्र परमार है उसने अपनी तरफ से फायरिंग की। इस दौरान जो घर पर बैठा था लुखरिया गांव निवासी कमोद शंकर नागर, उसके पैर में गोली जाकर के धस गई है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिसका कोई कसूर नहीं था उसके पैर में, क्योंकि विवाद दो पक्षों में हो रहा था और तीसरा व्यक्ति शिकार हुआ है जिस गोली का। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि आखिर लाइसेंसी हथियार से गोली मारी गई है या अवैध हथियार से गोली मारी गई है, और आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है कि कहां हैं, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरैना में जो फायरिंग के मामले हैं वो हर दूसरे दिन देखने को मिल रहे हैं, अब आज तो इस तरीके का मामला देखने को मिला है कि दो पक्षों में विवाद हो रहा है और तीसरा व्यक्ति जो अपने घर पर बैठा रहता है उसका कोई कसूर नहीं होता है, वो एक निशाना बन जाता है। ऋतु जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी को साझा करने के लिए।
और बात करते हैं अब बैठक के, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की यह बैठक होगी, राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक होगी, मंत्रालय में यह बैठक होने जा रही है। बेहद ही खास ये बैठक, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई है और कुर्सी मोहन यादव ने संभाली है, एक्शन मोड में पूरी तरह से सीएम साहब नजर आ रहे हैं और अलग अलग विभागों की लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक हुई, साथ ही साथ एसीएस एडीजी से भी उनकी चर्चा हुई, बैठक हुई, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं हुई, साथ ही साथ अलग अलग विभागों को लेकर भी चर्चाएं जो हैं बैठक में की गई, दिशा निर्देश भी जारी किए गए आगे आगामी चुनावों को लेकर के आखिर किस तरह की रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, इन भी मुद्दों पर जो है चर्चा बैठक में देखने को मिली। आज की बैठक बेहद खास राजस्व और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी, आखिर किस तरह की बैठक रहती है, किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगी यह बैठक। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ये बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी के अभियानों को लेकर यह बैठक की जाएगी। 24 की रणनीति पर मंथन होगा, संगठन की यह बैठक होने जा रही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और चलिए अब जिक्र करते हैं महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां पर फरार आरोपी दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हो चुकी है। भिलाई से इसे गिरफ्तार किया गया है। महादेव सट्टेबाजी का यह फरार आरोपी दीपक नेपाली अब गिरफ्तार हो चुका है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी पर अपहरण, लूट समेत कई केस दर्ज हैं। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है पूछताछ में। महादेव ऐप से जुड़ा ये आरोपी दीपक नेपाली, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ इससे जारी है। टीकमगढ़ में खबर का बड़ा असर हुआ है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। उत्कृष्ट स्कूल में डांस का एक मामला सामने आया था जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया। शिक्षकों पर कार्रवाई के अब निर्देश दे दिए गए हैं। प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। यह भी बता दें, न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद संज्ञान जो है शिक्षा विभाग ने लिया और अब कारण बताओ नोटिस इन शिक्षकों को जारी हो चुका है। उज्जैन में कोतवाली थाना के विकास चौराहे के पास दो परिवारों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। किन्हीं कारणों को लेकर यह विवाद हुआ, इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 9 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। दो पक्षों के विवाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट पर ये सभी उतारू हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने, उज्जैन की तस्वीरें, दो पक्षों में विवाद की तस्वीरें, तोड़फोड़ का आरोप भी लगा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खंडवा में बड़ा हादसा हुआ है। खंडवा इंदौर रोड पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बाइक और ऑटो में भिड़ंत हो गई और हादसे में एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। ऑटो में सवार महिला और बच्चों को भी चोट आई है। छैगांव देवी के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। खंडवा की हम बात कर रहे हैं, बाइक और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हुई और ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गरियाबंद में तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। 4 लाख की सागौन की लकड़ी जब्त की गई है, बरामद की गई है। उदंती टाइगर रिजर्व ने यह छापेमारी की। ओडिशा के 3 घरों में छापा मारा गया। छत्तीसगढ़ से ये करते थे सागौन लकड़ी की कटाई। लकड़ी के साथ ही कई औजार और फर्नीचर भी जब्त किए गए हैं इनसे। गरियाबंद में तस्करों पर नकेल कसने का काम जारी है। उदंती टाइगर रिजर्व ने ये छापेमारी की और
तीन घरों पर छापा मारा। कई औजार और फर्नीचर इन लोगों से जब्त किए गए हैं। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात है। लगातार मरवाही वन क्षेत्र में हाथी की दहशत देखने को मिली। कटरा में देर रात हाथी ने दो ग्रामीणों को के घरों को तोड़ दिया। मौके से वन अमला नदारद रहा। ग्रामीण रात भर परेशान होते रहे। मरवाही रेंज में ये हाथी का दल घूम रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। दो ग्रामीणों के घर को भी हाथी ने तोड़ा है। मौके से वन विभाग का अमला नदारद दिखा। ग्रामीण रात भर परेशान होते रहे, डर के साए में जीते रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हाथी का उत्पात पेंड्रा में लगातार जारी है। और नए साल में अब बस्तर वासियों को दिल्ली और जबलपुर तक हवाई सेवा का तोहफा मिलेगा। मार्च से यहां विमान सेवा शुरू होगी। कमर्शियल फ्लाइट संचालन की प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है। विमान मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर दिल्ली जाएगा। हवाई सेवा शुरू होने से अब बस्तर भी सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। बस्तर को बड़ी सौगात। मार्च से विमान सेवा शुरू होने जा रही है और बस्तर अब दिल्ली से जुड़ सकेगा। प्रशासन से इसकी अनुमति मिल चुकी है। मार्च से शुरुआत हो जाएगी। रायपुर में खारून नदी तट पर गंगा आरती में शानदार नजारा दिखा। महादेव घाट पर हुई गंगा आरती में 2.5 लाख दीप जलाए गए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रायपुर की ये तस्वीरें, गंगा आरती में 2.5 लाख दीप जलाए गए। ये नजारा अद्भुत देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और पूरा घाट जगमगाया हुआ नजर आया। दिए ही दिए नजर आए, रोशनी नजर आई। गंगा आरती में 2.5 लाख दिए जलाए गए। रायपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोशनी से ये घाट नहाया हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे। खारून नदी तट जगमगा उठा इन दियों की वजह से। अद्भुत नजारा ये घाट का। पूरा घाट जगमगाया हुआ नजर आया। लगभग 2.5 लाख दीप यहां पर जलाए गए। महादेव घाट पर गंगा आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे। रोशनी से पूरा तट नहाया हुआ नजर आया। अद्भुत नजारे की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर से। सीधी से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। स्कूल बस में आग लगी है। बस में स्कूल छात्र सवार थे। बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। कंवरजी मार्ग के पुलिस लाइन की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल बस में अचानक से आग लग गई और स्कूल बस में छात्र भी सवार थे। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बात हम सीधी की कर रहे हैं, जहां पर अचानक से स्कूल बस में आग लग गई। वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी और देखते देखते आग बढ़ती चली गई। समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। सीधी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्कूल बस में अचानक से आग लगी। छात्र भी उसमें सवार थे। समय रहते सभी बाहर आ गए और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। सीधी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्कूली बस में आग लगना बताई जा रही है और ये तस्वीर आपके सामने। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आप तस्वीर से समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग होगी। ये पूरी तरह से बस जल चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, स्कूली बस में आग लगी और कैसे आग लगी, क्या अभी जानकारी, क्या स्थिति, किसी को क्या हानि पहुंची है, पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल रितु, ये सुबह का वक्त था, चूंकि सुबह जो स्कूल बस निकलती है छात्रों को लेने, तो यही कारण था कि ये अभी स्कूल भी हर रोज की समय आज भी निकली हुई थी बच्चों को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस लाइन पहुंची है, वैसे ही बस में अचानक आग भड़क उठी है और पलक झपकते ही आग इतनी भीषण हो गई कि पूरे जो था कांच वगैरह सामने का वो पूरा टूट चुका था। हालांकि
जो चालक और परिचालक थे उन्होंने जो है तो बड़ी हिम्मत दिखाई है और जो स्कूल में जो बस में जो छात्र सवार थे उनको सभी को बाहर निकाल लिया। हालांकि बताया जा रहा है जिस समय बस में आग लगी है उस समय बस में 10 से अधिक छात्र सवार थे, सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया था और आलन फालन में इसकी सूचना जो है तो फायर ब्रिगेड को दी गई थी। हालांकि पुलिस लाइन जो है उस वहां पास ही घटना है तो ऐसे में समय रहते वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी। यही वजह है कि बस जो है तो भीषण आग लगी थी, इसके बावजूद भी उस पर काबू पा लिया गया है। अगर समय रहते बस पे अगर आग पर अगर काबू ना पाया जाता तो बस में और भीषण आग लगती और जो है तो कई घंटों तक ये खेल चलता रहता। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले ने भी यहाँ तत्परता दिखाई है और समय रहते आग पर काबू की वजह से कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हरीश। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों के 2020 की।